बताओ मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी मैथ टीचर मिस रिदा, क्लास सिक्स। आज हम लोगों ने मैथ्स का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सेट के टॉपिक को। सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे कि सेट क्या होता है। डिफरेंट जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स या एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास है सेट, मेरी साइंटिफिक सेट नोटेशन है क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है। सेट जो है डिफरेंट वेरिएबल्स को हम उसका नेम दे सकते हैं, जैसे कि ए बी सी या जो भी हम अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। और इसके जो मेंबर और एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, और ईच एलिमेंट के बाद हम कोमा लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है काओ, होर्स, कोट, ईटीसी। काओ जो एलिमेंट है ए का, यानी कि काओ जो है वो पेट है। गोट एलिमेंट है ए का, वो गोट भी एलिमेंट है ए का, तो हम इसको पढ़ेंगे गोट इज एन एलिमेंट ऑफ इज सेट ए। इसी तरीके से काओ इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसको शो करेंगे कि वो एलिमेंट नहीं है। ई शो करता है एलिमेंट को, और ये ई नोट यानी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू शो करता है कि एलिमेंट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट और एलिमेंट नहीं पे। ये जो ई है हमारे पास, ये होता है हमारे पास जो वर्ड है इस, ये ई जो है बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ग्रीक लेटर है हमारे पास, ये इज एन एलिमेंट ऑफ इसका नाम होता है, या इसको हम बिलोंग्स टू भी कहते हैं या इज अ मेंबर ऑफ भी कहते हैं कि ये इसका मेंबर है। इसी तरीके से अगर ई के ऊपर एक लाइन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ, या इज नॉट अ मेंबर ऑफ, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो सिंपली इसमें ये चीज़ होती है कि ई एलिमेंट को शो करता है कि इस सेट में इसके एलिमेंट्स हैं, और ई नॉट एलिमेंट्स को शो नहीं करता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट होते हैं। एन है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सिंपल नंबर्स हैं आपके पास। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये हमारे पास जो है होल नंबर का सेट है, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है उसको। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेट है वो है ई। ई मीन सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 के टेबल पे जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ये 2 के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाएंगे और ये चलते जाएंगे आगे। द नेक्स्ट वन इज पी, ऑड नंबर। ओ शो करता है ऑड नंबर को। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं जाते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। डिफरेंट नंबर हैं जो 2 के टेबल पे नहीं जाते, वो सारे इसमें आ जाएंगे। द लास्ट वन इज पी। पी मीन्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ किसी और के टेबल पे जाते हैं, अपने सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, किसी और के टेबल पे नहीं जाते, जैसे कि 2, 3, 5 ये सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। इसी तरीके से 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और बहुत सारे नंबर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है एलिमेंट्स भी डिफरेंट शो किए जाते हैं। हम लोगों ने इसको कैसे शो करना है ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, सेट एलिमेंट है ए के। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 एलिमेंट है ए का। इसी तरीके से 2 एलिमेंट है ए का, ये हम इसको शो करेंगे। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट है सी के, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, उसको भी ऐसे शो करेंगे। और फिर कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स को भी ऐसे शो करेंगे। ट्रायंगल एलिमेंट है बी का, स्क्वायर एंगल एलिमेंट है बी का, और सर्कल एलिमेंट है बी का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 में एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें बताना है कि कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं है। हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं। हमारे पास ए जो है वो कम्प्लीट सेट है क्योंकि वो इवन नंबर है। बी हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वो
सेट के लिए वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया है टू को दो बार यूज किया गया है, तो दो बार जब वैल्यू होगी तो वो सेट नहीं कंसीडर होगा, तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। उसके बाद सी आपके पास किंग, या आपके पास सेट ऑफ किंग बनता है, यानी कि सी लेटर है किंग का, डिफरेंट करेक्टर्स हैं किंग के, तो ये सेट बन सकता है, डिस्टिंक्ट भी है वेल डिफाइंड भी है। डी आपके पास बॉल, बॉल नहीं बनता क्योंकि बॉल में दो बार बी आ रहा है, एल आ रहा है, तो आपके पास ये जो है डिस्टिंक्ट नहीं है। उसके बाद सेट ऑफ ब्रेव बॉयज, ब्रेव बॉयज हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें हमें नहीं बताया गया कि किस जगह की बात हो रही है, सेट ऑफ ब्रेव बॉयज किस स्ट्रीट के हैं, किस एरिया के हैं, तो हम इसमें नहीं लिख सकते, ये हमारे पास सेट नहीं होगा। और सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स, ये भी आपके पास सेट नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर्स जो है, सॉरी, ये आपके पास सेट होगा क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर्स तो एक एरिया बताया मैंने, एक लिमिट बताई हुई है, एक बाउंड्री लाइन बताई हुई है, जब बाउंड्री लाइन के अंदर काम होगा तो वो सेट कंसीडर हो सकता है। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए और आप इसके क्विज अच्छे से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।